आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमत जैन गोलचा का सादर नमस्कार। आदरणीय भाइयों, आज मैं ऐसे महापुरुष की, ऐसे शख्सियत की आपसे साक्षात करवा रहा हूँ और मैं उनका अभिनंदन करने के लिए आप पहुंचा हूँ। वो ऐसे महापुरुष हैं जिनको मेरे 53 साल से उनका आशीर्वाद मुझे बराबर प्राप्त हुआ है। वो व्यापार क्षेत्र में नहीं, व्यापार क्षेत्र भी स्तंभ रहे, समाज क्षेत्र भी स्तंभ और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़कर आगे रहे और अभी भी राजनीतिक कार्य क्षेत्र में भी आप स्तंभ है। ऐसे महापुरुष के आपको साक्षात्कार कर रहा हूँ और साक्षात व्यापारी भाई तक आपको साक्षात करवा रहा हूँ। आज मुझे इतना गर्व हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति का मैं जो मंत्री पद में समाज श्रोणी संग्रह संघ परम संग्रह संघ आधार स्तंभ किन किन पदों से सम्मानित हूँ वो सब कब पड़ जाते हैं। ऐसे महापुरुष से मैं सब आपसे साक्षात करवा रहा हूँ। आदरणीय श्री मंगत राम जी सिंगल जो कई पदों पर सुशोभित। आदरणीय बाबू जी नमस्कार। नमस्कार हनुमान जी, आपका नमस्कार आपको और आपका स्वागत है आप मेरे पास आए। सबसे पहले मैं होली के इस पावन पर्व पर आप आज होली का त्योहार है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके इस कार्यक्रम के लिए भी आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक छोटे से काम से इतना बड़ा काम कर लिया। पहले प्रिंट मीडिया में आप काम करते थे, अब डिजिटल मीडिया में आप आ गए, तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। भाई आपका जो देहा साल से मैंने देखा उसके लिए आपका कैसा क्या रहा है वो व्यापारी भाइयों को बताना कृपा करें। 53 साल में नया बाजार में आपने क्या देखा, आपका सारा पिता आपने देखिए मैं 1964 में हाँ नए बाजार में मैं गया था जब मैंने दाल मिल लगाया और जब से मेरा नए बाजार के लोगों से हर एक से संबंध है, चाहे वो आड़ती भाई हों, चाहे वो दलाल भाई हों, चाहे वो पलेदार भाई हों, हर एक से मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध रहा है। प्यार रहा आपका? हाँ प्यार रहा है मेरा उनसे और बड़ी अच्छी हम लोगों ने उस समय आपस में भाईचारा निभाया है और एक दूसरे से जो हम प्रेम रखते थे। मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन का, जब भी हमने मिलकर काम किया उस समय हमारे साथ पंडित बिशंबर दयाल जी होते थे, जगदीश प्रसाद जी होते थे, तो मतलब गणपत राय जी भी होते थे, तो हमें पूछा हाँ नवाद हाँ, तो इसलिए वो उनसे हम काम किया और उसके बाद 1977 में मैंने दिल्ली नगर निगम से चुनाव लड़ा और उसमें मैं कामयाब रहा और 1983 में फिर मैंने दोबारा दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा तो उसके बाद फिर मैंने व्यापार छोड़ दिया क्योंकि 1983 से तो व्यापार छोड़ दिया। उसके बाद मेरा बेटा संजय सिंगल हाँ वो उसने सारा व्यापार संभाल लिया और मैं व्यापार से अपने आप को दूर कर लिया। अब मैं राजनीतिक उसमें हूँ, मैं 83 से 90 तक दिल्ली नगर निगम में चेयरमैन रहा हूँ वर्क्स डिपार्टमेंट का। उसके बाद 93 से मैं असेंबली का चुनाव लड़ रहा हूँ, 98 में मैं काम विजय हुआ था। उसके बाद 98 से 2013 तक मैं दिल्ली सरकार में मंत्री रहा। 2013 तक हाँ मैं सरकार में मंत्री रहा और उसके बाद राजनीतिक कार्यों में और भी आगे हम काम करते रहे और इसी तरह सामाजिक में कार्य में भी अग्रवालों में भी हमने बहुत काम किया। तो राजनीति के साथ साथ हम सामाजिक और धार्मिक कामों में भी मैं अपने आप को जोड़े रखा, तो इस तरह मेरा ये वो है मतलब जो मेरा समय जो 64 से आज तक मैं आज भी बिजी हूँ, अब भी मैं राजनीति में सक्रिय हूँ और आगे राजनीति में मैं सक्रिय रहना चाहता हूँ। वैसे तो सामाजिक मेरे बहुत बड़ा दायरा है, सर्कल है, तो ये मेरी अपनी जो मैंने अपनी दिनचर्या आपको बताई तो उसके बारे में। आपका तो जीवन हमेशा ऐसे ही रहा है, मैं 65 में आया हूँ दया बाजार में और 64 में आपका है, तो तब से आपका जीवन बिल्कुल स्थिर रहा, व्यस्त में रहा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, चाहे वो व्यापार में हो चाहे राजनीति में हो हमेशा ही मैं व्यस्त रहा हूँ। संजय बाबू जी महाराज बहुत अच्छे बहुत ही मतलब आपका रहा है इसी तरह बाजार में बनाए हुए। नहीं अच्छा है, बढ़िया है और चलना भी चाहिए अपने बड़ों के उस पे।
आज सम्मान से जीना चाहिए, व्यापार में भी जहाँ जिस क्षेत्र में हो आपको सम्मानित दर्जा मिलना चाहिए, जो भी हो समाज के लिए, चाहे व्यापार में तो व्यापार के लिए ये हमें काम करना चाहिए। आदरणीय व्यापारी भाइयों, आपने आदरणीय श्री मंगलकांत जी सिंगल साहब का जो उद्योग मंत्री से व्यापार क्षेत्र में उनकी मुखारविंद से जो सब सुने, ये सच्चाई हकीकत है। मैंने 1965 से देखना शुरू किया हुआ ऐसे व्यक्ति को, उनका हमेशा हाथ सबके ऊपर ही, मेरे पर नहीं, दलाल हो, पत्रकार हो, मुनीम हो, व्यापारी हो, सबके ऊपर ही। ऐसा ही का सुपुत्र श्री संजय जी वो कार्य क्षेत्र में संलग्न है, रहते हैं, जो भी चला जाए उनका सम्मान जो बाबू जी का है। आज कहते हो घर वाले बाबू जी को कि संजय बाबू जी से सुपुत्र पा करके बाबू जी आप धन्य हो गए। नंबर दो बाबू जी, एक थोड़ा सा तकलीफ बोल देना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो अभी चुनाव का माहौल जो बना है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, वो व्यापारी भाइयों को बताने के लिए। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, पांच साल में, तो हमेशा बीजेपी के जो हमारे व्यापारी भाई थे बीजेपी की फेवर में रहते थे, सपोर्ट में रहते थे। वो चाहते थे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो पता नहीं हमें क्या मिलेगा, हमारा व्यापार कितना आगे बढ़ेगा, कितनी हमें सहूलियत मिलेंगी, कैसे हमारा इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिलेगा, टैक्सों से छुटकारा मिलेगा, और कैसे हमारे धंधे बढ़ेंगे। परंतु आज व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, काम रहे नहीं है, नोटबंदी की वजह से, GST की वजह से हर एक व्यापारी परेशान है। केवल व्यापारी अपना सामान को बचाने के लिए लग रहा है। वैसे मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार में व्यापारियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो व्यापारियों को हुआ है। जो व्यापारियों की पार्टी थी वो अपने आप व्यापारियों की पार्टी ना कह के अब वो अपने आप को गरीबों की पार्टी कहने लगी, और व्यापारियों को उन्होंने दूर कर दिया, इग्नोर कर दिया कि हमारा व्यापारियों से कोई वास्ता नहीं है। आदरणीय व्यापारी भाइयों, मेरे बाबूजी से पत्रवारा क्यों किचित किया कि व्यापारी यदि कोई व्यापार शुरू से देखा है 1964 से, इसलिए इनसे प्रश्न कर किया कि आज हम कहा है। बाबूजी के मुखाबले से आपने सुनी लिया है क्या स्थिति हम चल रहे हैं, ये कोई राजनीति वाली बात नहीं कही उन्होंने, देखो पार्टी बाज की बात कही है, ये सच्चाई हकीकत कही है। धन्यवाद बाबूजी, आदरणीय बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इतना तकलीफ उठाई, कष्ट उठाया, इसको भी मेरा आशीर्वाद है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह अपनी इस धंधे में आगे बढ़ते रहें और व्यापारियों की सेवा करते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।